किश्तवाड़ पुलिस ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए दो नोटोरियस ड्रग पैडलर को जो है पिट एनडीपीएस में जो है वो बुक किया और उनको दोनों को जो है वो किश्तवाड़ जेल में जो है वो डाला गया। मैं ये बता दूं, ये नोटोरियस ड्रग पैडलर जो है वो एजाज अहमद खांडे सनफ खुशी मोहम्मद खांडे रेजिडेंट ऑफ सिरगुआड़ी की जो है उसकी पहचान हुई, और दूसरा किश्तवाड़ शहर का नामचीन जो ड्रग पैडलर है मोमिन कमल सनफ असगर अली कमल रेजिडेंट ऑफ कमल मोहल्ला वार्ड नंबर 5 किश्तवाड़ का जो है वो रहने वाला है। दोनों पर पुलिस के मुताबिक कई केसेस जो है वो ड्रग्स के रिलेटेड जो है वो इनके खिलाफ रजिस्टर्ड थे, और ये लोग जो है वो लगातार नौजवानों को जो है वो ड्रग्स जो है वो बेच रहे थे और ड्रग्स में जो है वो कारोबार में जो है वो मुलविस थे। इसलिए किश्तवाड़ पुलिस ने इनके खिलाफ जो है वो डोजियर बनाकर जब डिविजनल कमिश्नर को भेजा, उसने वहाँ से अप्रूवल देकर जो है इनको पिट एनडीपीएस एक्ट में जो है वो बुक किया गया। मैं बता दूं कि जो किश्तवाड़ पुलिस के प्रेस हैंडआउट के मुताबिक जो है किश्तवाड़ पुलिस मल्टीपल फ्रंट्स पर जो है वो ड्रग्स एब्यूज़ को काउंटर करने के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, और उसमें किस तरह से ड्रग्स के और मंशियात के कारोबार को रोका जाए उनमें एक जो तरीका है वो पिट एनडीपीएस एक्ट भी है। इसमें जो है वो बताया गया है कि जो दो वांटेड जो ड्रग पेडलर जो किश्तवाड़ शहर में जो है वो ड्रग पेडलिंग का काम करते थे उनको गिरफ्तार करके जो है उनको डिस्ट्रिक्ट जेल किश्तवाड़ में डाला गया है। इनके नाम जो है वो मोमिन कमल सनफ असगर अली कमल रेजिडेंट ऑफ कमल मोहल्ला और एजाज अहमद खांडे सनफ खुशी मोहम्मद खांडे रेजिडेंट ऑफ सिरगुआड़ी ठाकराई के तौर पर जो है वो इनकी पहचान हुई है। इनके बारे में बताया गया है कि इनके खिलाफ नंबर ऑफ ड्रग्स केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और ये भी बताया गया है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये लोग जो है वो नौजवानों को जो है वो ड्रग्स में मुब्तला कराते थे जिनको किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कारबंद है। इन्होंने बताया कि पीएसए ऑर्डर लेने के बाद एसएसपी किश्तवाड़ ने दो स्पेशल टीमें कॉन्स्टिट्यूट की जिसको सुपरविजन कर रहे थे डीवाईएसपी हेडक्वार्टर डॉक्टर ईशान गुप्ता। इनको किश्तवाड़ के जो घर हैं या जहां पर ये रहते थे उन वहां से जो है लोकेशन से इनको जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो जिला जेल किश्तवाड़ में भेजा गया। एसएसपी किश्तवाड़ ने ये भी बताया कि जो जिला पुलिस है वो कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटजी जो है वो बना रही है ताकि ड्रग एब्यूज और ड्रग ट्रैफिकिंग को जो है उसको जो है वो काबू में किया जाए और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जो ड्रग सिंडिकेट है उसने जो है वो एसएसपी किश्तवाड़ ने जो है वो लोगों से अपील की है कि वो इस मामले में जो है वो उनको जो है वो कॉपरेशन करे और जो ड्रग पेडलर है उनको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हुए जो है उनको जो है वो बाज आने के लिए जो है वो कहा है। और इसके अलावा किश्तवाड़ पुलिस ने दो ऐसे नंबर दिए हैं जहां पर जनरल पब्लिक जो है वो ड्रग माफिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनके नंबर हैं 99061 99061 54100। इसके अलावा जो है 9103 4 9103 4 54100, ये जो है वो नंबर है। और इसके अलावा किश्तवाड़ पुलिस का ट्विटर हैंडल भी है और फेसबुक पेज भी है जहां पर ये इत्तला जो है वो लोग दे सकते हैं। मैं बता दूं कि ड्रग्स के कारोबार में जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स की भी कार्रवाइयाँ कहीं महीनों से चल रही है, क्योंकि ये एक डेलिकेट चीज़ होती है जिसको देखना पड़ता है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा फॉरेस्ट स्मगलिंग्स के खिलाफ भी जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, और बवाइन स्मगलिंग के खिलाफ में जो लोग मुलाविस हैं उनके पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही है। न सिर्फ उन पर एनडीपीएस एक्ट लगाने जो है वो पुलिस जा रही है बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी खंगाला जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो अटैच किया जाएगा। इसके अलावा किश्तवाड़ पुलिस ने हमने देखा था कि काफ़ी मशहूर ड्रग पेडलर्स को जब अंदर भी डाला था जेल में, उसके बाद वहां डुंडोरा भी पिटवाया गया था जिसको मनादी कहते हैं, उसको लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो ये ड्रग पेडलर है इनको अंदर डाला गया। हालांकि ये ड्रग सिंडिकेट जो है वो मल्टीपल फ्रंट्स पे जो है वो काम करता है। हमारे किश्तवाड़ के जो है वो कई जो लोग हैं जो ड्रग पेडलर है वो जम्मू में भी जो है पकड़े गए और सांबा में पकड़े गए। मैं आपको बता दूं पिछले दिनों यहां पर जम्मू में जो है वो दो मशहूर जमाना ड्रग पेडलर जो है जिसमें एक फारूक कश्मीरी था
और दूसरा जो है वो एक और शख्स था जो पकड़ा गया था वहाँ पर जम्मू में, उमर हड्डी के नाम से जो है वो हमें पता है, बिलाल हड्डी, उमर हड्डी और इरफान हड्डी, उसको भी जो है वो पकड़ा गया था। जम्मू पुलिस ने भी जो है वो बड़ी कार्रवाई की है पुलिस के ड्रग पैडलर्स के खिलाफ, और सांबा पुलिस ने जिसने हमें मदद की है यहाँ पर लोगों को पकड़ने के लिए। ड्राफशाला का एक नामचीन ड्रग पैडलर जिसको जम्मू पुलिस ने जो है वो पकड़ा था, उसकी का जो गाड़ी थी JK 17A 1078, JK 17A 1078 जो है वो SDPO ईस्ट और SDPO साउथ ने जो है वो पकड़ी थी। और इस ड्रग पैडलर का जो जो ड्राफशाला से ताल्लुक रखता था, इसको जो है वो पकड़ा गया था। इसका नाम था खुर्शीद अहमद, रेजिडेंट ऑफ बादा द्रापशाला। इससे जो है वो 600 ग्राम जो है वो ओपियम जो है वो मिली थी इसकी गाड़ी में, जैसे कि मैंने बताया JK 17A जो इसका नंबर है, और इसका गाड़ी का नंबर जो है वो 1078 है, JK 17A 1078। इसको जो है वो जम्मू में जो है वो 12 मई को जो है वो पकड़ा गया था। मैं बता दूं इसके अलावा भी जो है वो जम्मू पुलिस ने जो है वो हमारी काफ़ी मदद की है, काफ़ी लोगों को जो है वो पकड़ा है, क्योंकि मेरे इसके अलावा जो दो नामचीन ड्रग पैडलर जो किश्तवाड़ में जो धंधा करते थे, उनको जम्मू पुलिस ने जो है वो 6 अप्रैल को पकड़ा था। इसमें फारूक कश्मीरी था और दूसरा जो है वो कामरान शेख था। कामरान शेख का लिंक रोड एरिया का रहने वाला था, उसको भी जो है वो यहाँ गिरफ्तार किया गया था। मैं बता दूं कि जो फारूक है वो बस स्टैंड एरिया में जो है वो फड़ी लगाता था जामा मस्जिद के पास, और जो जामा मस्जिद है वहाँ पर जो है वो ड्रग्स रखता था। और जब उसको कोई ग्राहक आता था, खासतौर पर चरस बेचने के में जो है वो फारूक मशहूर था, इसने जो है वो वहाँ से फिर मस्जिद से निकाल कर जो है वो फिर लाकर बेचता था। जो जम्मू पुलिस का एक प्रेस नोट है उसमें ये बताया गया था कि संजीवनी जो है ऑपरेशन संजीवनी, उसके तहत इंस्पेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा जो पुलिस स्टेशन दुमाना का ऐसे जो है उसने पेट्रोलिंग पे एक नाका लगाया था, जिसमें दो ड्रग पेडलर को 47 ग्राम हीरोइन चिट्टे के साथ जो है वो पकड़ा गया था, जिसमें फारूक अहमद सनाफ अब्दुल खालिक शेख जिसकी उम्र 36 साल थी और ये कोकरनाग अनंतनाग का रहने वाला है, और इसको 25 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था। और जबकि दूसरा जो है मोहम्मद कामरान शेख सनाफ अब्दुल रशीद शेख, एज 29 साल, रेजिडेंट ऑफ लिंग रोड किश्तवाड़, इसको जो है वो 22 ग्राम हीरोइन चिट्टे के साथ जो है वो पकड़ा गया था। और उसके बाद जम्मू पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज करके जो है वो इनको जो है वो पकड़ा था। इस तरह से कई ड्रग पेडलर्स जो है वो जो जम्मू में पकड़े गए, क्योंकि मैं बता दूं कि जो जम्मू है वो मेन सप्लाई लाइन है, सांबा से जम्मू आता है ड्रग्स, और कठुआ जो बॉर्डर इलाके हैं वहां से फिर जम्मू, और फिर जम्मू से डोडा किश्तवाड़ और रामबन और बाकी जिलों में जो है वो पहुंचता है ये ड्रग्स। इसलिए जो जब यहां पर कार्रवाइयां हो रही है तो किश्तवाड़ में जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, और अब ड्रग पेडलर्स जो है वो यहीं पर पकड़े जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि ड्रग पेडलर जो है वो इसलिए यहां पकड़े जा रहे हैं क्योंकि पुलिस भी जो है किश्तवाड़ पुलिस उनको यहां से पकड़वा रही है, क्योंकि जब ये वहां पहुंचते हैं ये जो माल होता है ये उसको बाइफरकेट करते हैं, यानी कि अगर किसी ने 20 ग्राम यहां से लाया वो एक एक 2 ग्राम करके जो है वो बाइफरकेट 10 लोगों के बीच में करता है, और ये फिर बाद में कमर्शियल क्वांटिटी नहीं रहती है, और इसके बाद ये लोग जो है वो कोर्ट में जाकर आसानी से जो है वो बेल करा लेते हैं। इसीलिए पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि ऐसे जो ड्रग पेडलर है उनको सोर्स के जहां से है वहीं से जो है वो पकड़ा जाए, और जम्मू जो है वो मेन हब है यहाँ का ड्रग्स का, और इसलिए जो है वो यहाँ से जहाँ ये खरीदते हैं वहीं इनको जो है वो पकड़वा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी हैरान होंगे कि क्यों जम्मू में किश्तवाड़ के ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, डोडा के पकड़े जा रहे हैं, द्रापशाला का पकड़ा जा रहा है। ये यही वजह है कि जब ये किश्तवाड़ के टेल एंड तक पहुंचते हैं ये माल जो है वो अपने एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब तक, और फिर जब ये पकड़े जाते हैं इनके पास कमर्शियल क्वांटिटी का बहाना लेकर जो है ये फिर कोर्ट से जो है वो बाइज्जत बरी होते हैं। अब किश्तवाड़ पुलिस ने एजाज के और मोमिन कमल के PSA के बाद और भी फाइलें जो है वो भेजी हुई है, 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनमें फारिश समंगलर भी हैं, बवाइन समंगलर भी हैं, और जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं वो लोग भी हैं मुलविस हैं, जिन पर PSA लगाने के लिए जो है वो पुलिस से कोशिशें कर रही हैं ताकि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को जो है वो जिला किश्तवाड़ में रोका जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।